नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं प्रखंड सिसई क्षेत्र में एक नाबालिग युवती के साथ तीन नाबालिग युवक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार। गुमला जिले की सिसई में घाघरा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। तीन नाबालिग लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गुमला की सिसई में एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर तीन नाबालिग लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिग किशोरी घाघरा की रहने वाली है और दो लड़कों द्वारा उसका अपहरण करके उसे पहले सिसई लाया गया, जहां दोनों लड़कों द्वारा अपने एक अन्य साथी को बुलाया गया और तीनों ने मिलकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है। उसके बाद तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार करके न्यायालय गुमला भेज दिया गया है और युवती भी नाबालिग है। युवती को बयान दर्ज कराने के लिए गुमला भेज दिया गया है। ये जो घटना है, ये लड़की घाघरा प्रखंड की है, जिसको तीन युवकों द्वारा बलपूर्वक यहाँ तक लाया गया था और फिर से थाना अंतर्गत मावा डिपी क्षेत्र में सामूहिक रूप से बारी बारी से बलात्कार का अंजाम दिया गया था। उसके बाद पीड़िता को हम लोगों ने जांच की कार्रवाई के लिए, चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है। उनके सभी प्रदर्श जमा रहा होता है, जो पहना हुआ कपड़ा वगैरह हम लोगों ने जब्त कर लिया है और तीनों नाबालिगों को भी हम लोगों ने उचित माध्यम निरुद्ध करके माननीय न्यायालय को सामने प्रस्तुत किया है। आरोपी बाल सुधार के दिए जाएंगे गुमला में। लड़की वर्तमान में भी उनका बयान होगा 164 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में बयान कराने के उपरांत उनको CWC में पेश कराया जाएगा, चूँकि वो नाबालिग है। उसके बाद उनका ये कार्रवाई जिस तरह से बाल कल्याण समिति करेगी, इस तरह से होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।